तो फाइनली आदिपुरुष मूवी रिलीज हो चुकी है, पर क्या आदिपुरुष मूवी सच में देखने लायक है? क्या ये हमारा पैसा वसूल कर सकती है? तो आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत सीधा वनवास से होती है। उसके पहले क्या हुआ था वो आदिपुरुष में नहीं दिखाया गया, बल्कि वनवास में भी बहुत कुछ हुआ था पर इन्होंने उसे भी नहीं दिखाया, सिर्फ मेन टॉपिक को लेकर कहानी को आगे बढ़ाया। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि VFX को इग्नोर करोगे तो ही आप मूवी देख पाओगे, क्योंकि VFX कार्टून जैसे नहीं है बल्कि VFX बहुत ज्यादा गंदा है। और मैंने पहले ही बोला था कि आदिपुरुष का एक सिंगल शॉट भी रियल नेचर में नहीं दिखाया गया, बल्कि पूरी मूवी VFX और CGI के दम पे बनी है। वैसे आदिपुरुष मूवी एक माइथोलॉजी कहानी तो है, पर इसके बाकी के शब्द काफी एडवांस है जिनका उस टाइम तो जन्म भी नहीं हुआ था। यानी कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी के लिए जो डायलॉग्स की सीमा होती है इन्होंने उसको तोड़ दिया है। तो चलो डायलॉग्स को इग्नोर कर देते हैं और प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों ऑनेस्टली बोलता हूँ, आदिपुरुष मूवी एक रामायण पे बेस्ड फिल्म नहीं है। इन्होंने रामायण को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है। इन्होंने इसको एक बिग बैटल मूवी बनाने की कोशिश की है, जस्ट लाइक बाहुबली। और वाल्मीकि रामायण में कुछ कैरेक्टर ऐसे है जो सिर्फ उनके लुक से ही पहचाने जा सकते हैं, यानी कि हम उन्हें देखते ही उनका नाम ले सकते हैं। पर आदिपुरुष मूवी में कैरेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया है भाई। लिटरली हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि शायद ये मेघनाथ होगा या फिर जामुन काका होगा, भाई लिटरली अंदाजा लगाना पड़ता है। दोस्तों एक भी कैरेक्टर रामायण की कहानी से नहीं मिलता है, ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरे यूनिवर्स की रामायण है। पर ये हमारे माइथोलॉजी कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप आदिपुरुष को एक बिग बैटल मूवी समझ के देखना चाहते हो तो डेफिनेटली जाओ, पर रामायण समझ के बिल्कुल नहीं। और कुछ टॉपिक तो ऐसे है जो इन्होंने डायरेक्ट दिखा दिए, मतलब ऐसे जैसे कि ये सब हमको पहले से ही पता हो। अरे भाई रामायण है तो आपको कम से कम एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। और अगर आदिपुरुष में रावण की बात करें तो देखो दोस्तों, हमने अब तक जितने भी रावण के कैरेक्टर देखे हैं, आदिपुरुष का रावण उनसे कई गुना अलग है भाई। लिटरली रावण को बहुत ज्यादा क्रूर दिखाया गया, जितना आप सोच भी नहीं सकते, एक तरह का मॉन्स्टर समझ लो, इतना ज्यादा खतरनाक। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आदिपुरुष में सिर्फ रावण की हेयर स्टाइल यूनिक नहीं है बल्कि लिटरली लंका में रहने वाले सभी कैरेक्टर को इन्होंने न्यू लुक दिया है, जैसे कि विभीषण, इंद्रजीत। ऐसा लगता है कि ये कहानी 21वीं सदी की है। और आदिपुरुष के मेकर्स ने रावण के चलने का स्टाइल ऐसा रखा है जिसे देख के छोटे बच्चे जैसी फीलिंग आती है। भाई रावण भले ही राक्षस मॉन्स्टर था, पर मुझे नहीं लगता है कि रियल में रावण ऐसा चलता होगा। आप आदिपुरुष मूवी देखोगे तो आपको भी पता चल ही जाएगा। और आदिपुरुष मूवी पूरे 3 घंटे की फिल्म है, तो पूरी रामायण तो इसमें होगी नहीं, सीताहरण से लेकर रावण के वध तक ही इसमें दिखाया गया। तो यहाँ पर हर किसी के अंदर एक सवाल आएगा कि ओम रावत ने आदिपुरुष को ऐसा क्यों बनाया। तो देखो दोस्तों, ओम रावत ने रामायण में से सिर्फ उसकी कंसेप्ट उठाई, यानी कि भगवान राम जी, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान जी और रावण को लेकर आदिपुरुष बनाई। पर ओम रावत जी ने सब कुछ अपने तरफ से डाला। हाँ हो सकता है कि ये काम स्टोरी राइटर का हो, पर इन्होंने माइथोलॉजी को साइड में रख दिया और आज के जमाने में रामायण कैसी होती ये दिखाने की कोशिश की है। भाई लिटरली ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर हीरो मूवी चल रही हो। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर आपको बिग बैटल मूवी देखनी है तो आदिपुरुष मूवी देख लो, पर अगर आपको रामायण का रस लेना है, उसको फील करना है, तो आप ये रिव्यू देख के समझ ही गए होंगे कि आपको क्या करना है। पर हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना। तब तक टेक केयर और बाय।